हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। एक बार स्वागत है आपका स्टडी विद आकाश चैनल पे। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है क्योंकि हम लोग लिए हैं ग्लिसराल, ग्लिसराल का एल्कोहल, ठीक है, ओएच लगा हुआ है ना, एल्कोहल है। तो इसका हम लोग आईपीसी नॉमेनक्लेचर करेंगे, वो मैं आपको एक अच्छे से बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। एल्कोहल का आईपीसी नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे थे, उसी कड़ी में हम लोग करेंगे ग्लिसराल का आईपीसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग प्राइमरी चेन छांटते हैं, प्राइमरी चेन छांटेंगे, उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपको सामने ये दिख रहा होगा कि यहां पे तीन ये OH है ना, तो इसको हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे एक ये 1 2 3 तीन कार्बन है, और हमें प्राइमरी कार्बन से ही चेन छाटनी होती है। तो हम लोग प्राइमरी कार्बन है, इसमें हमें नजर आ रहा है कि दो ही प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन रूल लगाएंगे तो दो प्राइमरी कार्बन है, वन ये प्राइमरी कार्बन है और ये एक प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो दो प्राइमरी कार्बन है हमारे पास, दो प्राइमरी कार्बन है। तो आइए नंबरिंग शुरू करेंगे। कहाँ से नंबरिंग शुरू करें ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन की बात है, ठीक है। ये देखिए, इधर से करते हैं तो 1 2 3, तो भी ये तीनों पे OH लगा हुआ है, इसलिए सब बराबर ही हैं, दोनों प्राइमरी कार्बन दोनों बराबर ही हैं। तो हम लोग किधर से नंबरिंग शुरू करें, 1 2 3, तो भी तीन कार्बन, 1 2 3, तो भी तीन कार्बन। यहां से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, ये यहां कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये किधर कार्बन से, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो यहां से हम लोग शुरू नहीं कर सकते। तो ये देखिए, हम लोग शुरू करते हैं, चलिए कहीं से भी कर देते हैं, इसमें तो जब हम लोग को पता चली गया है कहीं से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर इसको दिया, दो नंबर इसको दिया और तीन नंबर इसको दिया, नंबरिंग कर दिया हम लोगों ने, तीन कार्बन है हम लोगों के पास, नंबरिंग कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो और आइए प्राइमरी चेन को भी हम लोग गोले में भर ही लेते हैं, प्राइमरी चेन को गोले में भर लिया हम लोगों ने। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं, तो हम लोग किसे गोले में भरेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्राइमरी कार्बन, मतलब प्राइमरी चेन, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल चेन, ठीक है, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन हम लोगों ने छांट ली, तीन OH लगे हैं, मतलब तीन ऑल, ठीक है। तो तीन कार्बन है, 1 2 3, थ्री कार्बन का एल्क क्या होता है, प्रोप, चूंकि सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन, प्रोपेन। और इसमें तीन ऑल है मतलब ट्राई, और ऑल लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स ऑल जुड़ेगा तो ट्राई ऑल। अब देखिए वो ऑल कहां कहां पे जुड़े हैं, वन नंबर कार्बन पे, टू नंबर कार्बन पे, थर्ड नंबर कार्बन पे, मतलब 1 2 3 तीनों पे लगे हुए। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ई नहीं रहेगा दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ई नहीं रहेगा, ठीक है। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ठीक है, ये हो गया इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।